दोस्तों, आजकल हमारी वीडियो में अक्सर कोई ना कोई ऐसी खबर होती है जो भारत के लगातार बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और आर्थिक क्षमता को प्रदर्शित करती है, जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और हो भी क्यों ना, आखिर हमारा देश जिस रफ्तार से विकास कर रहा है वह सच में अपने आप में एक उदाहरण है कि कैसे कोई देश अपना स्टेटस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना ज्यादा मजबूत कर सकता है कि उसे G20 की प्रेसिडेंसी के साथ साथ UNSC में शामिल करने की आवाज तक उठाई जाने लगी। पिछले 75 साल में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और कूटनीतिक स्तर पर जिस तरह का विकास किया, इसे देखकर चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश पूरी तरह से हैरान रह चुके हैं। लेकिन भारत का ये विकास कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसी को बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा, क्योंकि इसके पीछे उनका एक छुपा एजेंडा है जो वे अब हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की सत्ता एक ऐसी सरकार चला रही है जो किसी भी देश के सामने झुकती नहीं और 140 करोड़ भारतीयों का सर हमेशा ऊंचा रखती है, जिसके तहत अब भारत की विदेश नीति और व्यवहार में ये बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे भारत और दुनिया भर में किसी भी देश की बात ना मानकर सिर्फ अपने इंटरेस्ट में ही फैसले करता है, जो कि हर भारतीय के दिल की आवाज होती है। ऐसे में कई ऐसे देश और मीडिया एजेंसी मौजूद है जिन्हें भारत का ये बदलाव जरा भी पसंद नहीं आ रहा, लेकिन वह इसके बारे में तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक भारत में एक मजबूत सरकार हो, जिस वजह से भारत की सरकार के खिलाफ प्रोपोगंडा अब काफी आम हो चुका है। लेकिन हद तो तब हो गई जब पिछले महीने BBC ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक काफी आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्री निकाली जो साल 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित थी। इस डॉक्यूमेंट्री में काफी ऐसी बातें कही गई जो ना तो आज तक किसी ने सुनी थी और ना ही कोई उन पर विश्वास कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री को एक ऐसे समय पर निकाला गया जब भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता के चरम पर पहुंच चुका था, और ऐसा करने का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है और वह है भारत को बदनाम करना, जिसे ध्यान में रखते हुए अब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने एक काफी सीधा और कड़ा बयान दे दिया है जो कई देशों और मीडिया संस्थानों को जरा भी पसंद नहीं आएगा। दरअसल दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री ने ताकतवर और साफ शब्दों में यह बयान दे दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की छवि खराब करने वाली BBC की डॉक्यूमेंट्री का इस समय सामने आना कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है और ये भारत के खिलाफ हो रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा का ही हिस्सा है। उन्होंने कहा कि BBC की ये डॉक्यूमेंट्री भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को एक असुरक्षित और कट्टरपंथी देश के तौर पर स्थापित करने के लिए लाई गई थी, ताकि पश्चिमी देशों में ये धारणा बनाई जा सके कि भारत काफी असुरक्षित देश है और भारत की सरकार एक रेडिकल विचारधारा का पालन करती है जो लोकतंत्र के विचारों और मूल्य से पूरी तरह उलट है। डॉक्टर जयशंकर के इस बयान ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी, क्योंकि उन्होंने जिन सीधे शब्दों में अपना बयान दिया वह भारत की तरफ से प्रोपोगंडा करने वाली एजेंसी को एक सीधा संकेत है। वहीं पर दोस्तों, अगर हम डॉक्टर जयशंकर द्वारा दिए गए बयान को समझने की कोशिश करें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि उनका बयान 100% सच है, क्योंकि BBC की डॉक्यूमेंट्री आज से एक महीने पहले रिलीज की गई थी जो बैन होने के बाद दुनिया भर में एक काफी बड़ी हाईलाइट बनकर सामने आई। साथ ही कई असामाजिक तत्वों ने इस डॉक्यूमेंट्री का इस्तेमाल करते हुए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर काफी आपत्तिजनक सवाल भी उठाए जो इस प्रोपेगेंडा का मुख्य मकसद था, लेकिन भारत ने अपनी एकजुटता और संवेदनशीलता से इस कोशिशों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। हालांकि इसकी टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एक ऐसे समय पर रिलीज की गई जब भारत G20 का प्रेसिडेंट है और भारत में G20 के फाइनेंस मिनिस्टर की एक बड़ी बैठक हुई। साथ ही अब से कुछ दिनों बाद ही G20 देशों के विदेश मंत्रियों की भी बैठक होने वाली है। ऊपर से अगले साल यानी साल 2024 में भारत के लोकसभा के चुनाव होंगे, साथ ही ब्रिटेन और अमेरिका में भी जनरल इलेक्शन साल 2024 में ही होने वाले हैं, यानी राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण साल 2024 से मात्र एक साल पहले ही BBC एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री रिलीज करती है जो भारत की छवि को खराब कर सकता है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। दोस्तों, ऐसे में एक और ऐसी रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है कि जॉर्ज सिरोज, जिन्हें कुछ समय पहले ही भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने बेनकाब किया था, उनके साथ मिलकर कई और लोग एक लॉबी बनाकर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के खिलाफ साजिश कर रहे हैं ताकि उन्हें विदेश मंत्री के पद से हटाया जा सके। साथ ही बताया जा रहा है कि इस लॉबी में चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने अपने सीधे और ताकतवर बयानों से इन देशों के प्रोपोगंडा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ऐसे में अमेरिकी अरबपति जो सिरोज के साथ मिलकर चीन और पाकिस्तान विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को हटाने के लिए करोड़ों रुपए बहा रहे हैं। वहीं पर इन सब में हमारी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस भी लगातार साथ दे रही है और लगातार डॉक्टर जयशंकर के ऊपर कटाक्ष किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को इसमें कोई भी कामयाबी नहीं मिल सकी है। खैर, जो भी हो, इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि भारत सरकार काफी अच्छा काम कर रही है और हमारे विदेश मंत्री की धमक से ही दुनिया भर के कई देशों में हलचल मच जाती है, क्योंकि अब भारत वह भारत नहीं रहा जो दूसरे देशों की बातें सुनकर चुप बैठ जाए, बल्कि ये नया भारत है जो अपने हित में बोलना और उन्हें बचाने के लिए एक्शन लेना दोनों ही जानता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या ये सभी घटनाएं एक साजिश हो सकती है या नहीं, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ।
धन्यवाद। जय हिंद।